हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सेफ और हेल्दी है। ये मेरे एक्सेल 6 कार आप देख सकते हो, बहुत ही चमक रही है, ट्रिप पे जाने के लिए रेडी है। ट्रिप पे जाने से पहले मैंने दो एक्सेसरीज मंगाए जो मुझे बहुत ही नीड थे। वो कौन से एक्सेसरीज आज उसके बारे में अपन टॉपिक में बात करेंगे। तो मैं ट्रिप पे कहाँ जाने वाला हूँ उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा, तो अभी बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। अगर वीडियो में आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो बढ़ते हैं, एक्सेसरीज मैंने कौन सी मंगाए और क्यों मंगाए आपको दिखाता हूँ। ये है दो एक्सेसरीज जो कि मुझे अभी ट्रिप के लिए बहुत नीड पड़ेगी। ट्रिप के लिए नहीं, वैसे तो हर एक टाइम यूज़ होता है। ये 360 ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो कि दोनों कार के साइड मिरर में लग जाते, वो भी इंस्टॉल करेगी। ये मैंने पहले यूज़ किया तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब बहुत ही अच्छे से आपको हेल्पफुल करता है ब्लाइंड स्पॉट यूज़ करने के लिए, अच्छे से विज़न क्लियर रहने के लिए। और ये मंगा मैंने वाइपर, आप देख सकते हो RYU7 XL6, ये तो 2000 का है, तो प्राइस ऐसे ही दिया, अमेज़ॉन से लिया है 500 रुपये में। वाइपर लेने का रीज़न ये था कि इसका आप ब्लेड देख सकते हो थोड़ा ख़राब हो गया। जब भी गाड़ी चलाता हूँ और बारिश के टाइम पे तो वाइपर यूज़ करने का टाइम, ये पे ऐसा मार्क्स आते थे, स्ट्रिप्स आते थे जो कि बहुत ही इरिटेट करते थे, विजिबिलिटी के लिए भी प्रॉब्लम होता था। वैसे तो मुंबई में बारिश का तो कुछ आता पता है नहीं, लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे अगर ऑन दी वे बारिश मिला, कुछ तकलीफ़ हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए सोचा डायरेक्ट चेंज ही कर देता हूँ। तो चलो वन बाय वन इसे इंस्टॉल करते, कैसे इंस्टॉल करते वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर ऐसे दो मिरर है, ये और ये 3mm का टेप और ये, तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो या इसके थ्रू भी, ये एडजस्ट कर सकते हो आप जिस तरह से चाहिए, आप इसे फोल्ड कर सकते हो ऐसे। तो मैं तो डायरेक्ट ही लगाऊंगा क्योंकि मुझे बेस्ट लगता है। तो चलो कांच में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको साइड मिरर में कैसा लगता है ये। आप देख सकते हो ये मेरा राइट साइड का साइड मिरर, तो सिंपल सा ये मिरर लेना है और ऐसे के पे सेट करने के जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। तो मैं मोस्टली यहाँ पे लगाना पसंद करूँगा, बस आपको आपको लगा के एक चिपका देना है बस। वो अपना 3mm का टेप अपना काम कर लेगा बराबर, जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्लाइंड स्पॉट आप पूरा एक्चुअली 360 व्यू में पूरा देख सकते हो, आपका पीछे का टायर और ये लेंथ पूरा आप अच्छे से कवर कर सकते हो इसे, ऐसे बस अच्छे से टाइट चिपका देना। तो सेम लेफ्ट साइड के मिरर को भी करना पड़ेगा, तो जिससे कि अपने को व्यू अच्छे से आएगा। ये लेफ्ट साइड का मिरर मार्किंग ऐसे करना कि जिससे कि आपको पता चले कि आपने वहाँ पे कौन सी जगह पे लगाया था, तो एकदम नीचे के एज पे, तो थोड़ा साइड में और बस सिंपल है। इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ मार्किंग बिरकिंग ऐसा कुछ काम करने की गरज नहीं है। तो चलो अभी आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, तो देख सकते हो इसका व्यू साइड मिरर का कितना यूज हो रहा है। पूरा अच्छे से पूरा वाइड एंगल तक आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड पे भी आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छे से दिख रहा है। ऑलमोस्ट 360 व्यू का तो काम अच्छे से कर रहा है, ज़्यादा नहीं है, 150 रुपीज़ का ही है, तो मेरे लिए तो बेस्ट ही है। ये मैं ऑलरेडी पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन ये कार वॉश के टाइम पे और एक बार ऐसे जगह पे गाड़ी पार्क किया था कि किसे पसंद आया पता नहीं, वो निकाल के लेके चले गया। मैं बोला एक रख के क्या करूँ, तो मैंने वो भी निकाल दिया। तो अभी ट्रिप पर जाने से पहले तो ये बहुत ही यूज़ था करके मैंने मंगाया। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आप भी ट्राई करो, आपको भी ये बहुत ही यूज़फुल लगेगा कार के लिए। मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द
मोस्ट यूजफुल थिंग है कार एक्सेसरीज के लिए। तो चलो एक एक्सेसरीज तो हो गया इंस्टॉल करके, अब बढ़ते सेकेंड एक्सेसरीज की तरफ। तो अब बढ़ते वाइपर की तरफ, कार वाइपर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा है ये, तो कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। दोनों एक्सेसरीज ऐसे हैं कि आप घर बैठे ही इंस्टॉल कर सकते हो, इसके लिए कोई ज़्यादा कुछ करने की गरज नहीं। आप देख सकते हो वाइपर को अच्छे से कवर भी है बहुत, तो पहले वाला वाइपर और ये वाइपर में बहुत ही फ़र्क है, लेकिन बेस्ट है, मुझे दिखने में बहुत मस्त लग रहा, तो मैंने यही मंगाया। तो चलो देखते हैं इसको इंस्टॉल करके। सबसे पहले तो ये वाला वाइपर ही इंस्टॉल करते। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप रहता है, इसे जस्ट प्रेस करना है और ये इजीली निकल जाता है। अपना चुना वाइपर, आप देख सकते हो इसके ब्लेड थोड़े कट हो गए कहाँ कहाँ से और ख़राब हो गए। तो देखते हैं ये कैसे इंस्टॉल करते। ये जो गैप दिया है ये इसके अंदर सेट होना चाहिए, इसे लॉक। ये तो बहुत ही सिंपल था, जस्ट लॉक लगाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे क्लिप है, ओपन करके इसको अच्छे से सेट करना है, बस इतना ही था ये। मस्त दिख रहा है बिफोर और आफ्टर का लुक। चलो इस तरफ का भी वाइपर इंस्टॉल कर लेते, तो दिखने में मज़ा भी आएगा और अच्छा भी दिखेगा। ये कवर के साथ वाइपर है, बहुत ही मस्त दिख रहा है। तो एक साइड का वाइपर तो हो गया इंस्टॉल करके, अब बारी है इसको इंस्टॉल करना। चलो उसे भी लगाते। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने दोनों वाइपर इंस्टॉल कर दिए, मस्त दिख रहा है। तो कवर वाइपर के ऊपर भी अच्छे से कवर है, ये पहले के वाइपर ओपन थे और ये वाइपर कवर के साथ मिले, तो बहुत ही लुक ही अच्छा आया गाड़ी का भी। तो एक बार गाड़ी स्टार्ट करके अंदर से भी देखते वाइपर कितना क्लीन कर पाता और ये कैसा है ये। तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले तो गाड़ी स्टार्ट करते। ओहो, वाइपर का रिस्पांस भी बढ़ गया, टाइमिंग पूरा अच्छे से खुद से फटक से क्लीन करने के, इसमें मतलब स्पीड बढ़ गया अच्छे से। तो आई होप ये अच्छे से पूरा क्लीन करेगा। आप देख सकते हो पूरा अच्छे से क्लीन हो रहा है कांच पूरा, जरा सा भी वाटर मार्क नहीं दिख रहा। तो मेरे लिए तो ये एक्सेसरीज भी यूज़फुल था बहुत ही,
और बहुत इजी भी मेथड था इंस्टॉल करने के लिए, तो कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ हार्ड था नहीं, और कहीं पे भी ऐसा वाटर मार्क्स नहीं दिख रहे या कुछ ऐसे स्ट्रिप्स नहीं दिख रहे, अच्छे से पूरा नीट और क्लीन क्लीन काम कर रहा वाइपर। बाहर आके भी देखते, तो आप देख सकते हो मेरे पहले वाइपर में यहाँ पे मार्क्स आते थे, यहाँ पे अभी कुछ नहीं, पूरा अच्छे से क्लीन है। तो वाइपर का तो काम बहुत ही अच्छे से हो गया और दिखने में भी बहुत मस्त है। अगर आपको भी अगर लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप भी ले सकते हो। मैं तो खुश हुई वाइपर से। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये वाइपर और ये 360 साइड मिरर का यूज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।